बुजुर्ग महिला आसिया पत्नी स्वर्गीय खलीक अहमद निवासी 116 तकी नगर ने सुनाई दर्द भरी कहानी। उन्होंने बताया कि मेरे चार बेटे हैं, जावेद खलीक, इकबाल खलीक, आरिफ खलीक, आसिफ खलीक और दो बेटियां हैं, विवाहित राहत, अफरोज निखत, फिरदौस। बुजुर्ग महिला ने बताया कि मैं अपने दूसरे बेटे इकबाल की जास्ती बढ़ते देख एवं कई बार जान से मारने की कोशिश करने पर उसको बेदखल कर दिया था, जिस पर झुलाए बेटे ने माँ पर कई बार जानलेवा हमला किया और माँ को घर से निकाल दिया। माँ सबसे छोटे बेटे आसिफ और बहू जेबा के साथ अनवर नगर में दिन गुजार रही हैं। वहीं छोटे बेटे आसिफ का हमदर्द दोस्त अनीश कुमार पर भी जानलेवा हमला किया। बड़ी दुख भरी कहानी है जिसमें अहम रोल बड़ी बेटी अफरोज, बेदखल बेटा इकबाल का है और बेदखल बेटा इकबाल ने माँ पर बहुत जुल्म किया। इस समय माँ अनवर नगर में सबसे छोटे बेटे के साथ रह रही हैं। उन्होंने रो रोकर अपनी सुनाई पूरी दास्तान। क्या नाम है आपका? आसिया बेगम। अच्छा, कहाँ कहाँ रहती हैं आप? अनवर नगर में रह रहे हैं। नहीं, रहती कहाँ थी पहले? पहले कहाँ रहती थी? तकी नगर में। अच्छा, तो यहाँ अनवर नगर कैसे आ गई? अरे वही तबस्सुम के जुर्म से। तब से अच्छा उन्होंने मारने दौड़ रही हैं, काटने दौड़ रही हैं। तबस्सुम कौन है आपकी? अरे हमारी बहू है। किसकी बीवी है? इसीलिए हम बहू करके लाए हैं कि हमको मारो। किसकी बीवी है वो? घर से निकाल दो। किसकी बीवी है? इकबाल की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके कई बेटे हैं? हमारे चार बेटे हैं। तो आपको क्या घर से निकाल दिया? हमारे साथ हम लेटरिन करे बैठे हैं तो पानी नहीं दे रही है, भूखे बैठे हैं, खाना नहीं दे रही है, सड़ा गला खाना ला रही है। हाँ। हमको हम अपना जान बचाएंगे। हमारे लड़के ने कहा कि लड़का जाए यहाँ से तो वहाँ हमको दान खाना के लिए। कौन लड़का, क्या नाम है? वही हमको धुलाना था। लड़के का क्या नाम है जो ले जाता था आपको? आसिफ। आसिफ, अच्छा उसके बाद में फिर निकाला किसने आपको? वही तबस्सुम रहती है ना वह बहू, ऊपर तबस्सुम तो रहती है। कई बेटे हैं आपके? चार बेटे। क्या क्या नाम है? एक का जावेद, डॉक्टर जावेद। हाँ। और मोहम्मद इकबाल। हाँ। मोहम्मद आरिफ। हाँ। और सबसे छोटा लड़का हमारा मोहम्मद आसिफ। तो आपको कोई लोग खाना नहीं देते? अरे सड़ा गला खाना होता देती थी हमको, या देती भी नहीं थी। आसिफ हमारे जाते थे तो हमको अच्छा बुरा जो कुछ रहा थोड़ा बहुत खिला। आपकी खिदमत इस वक्त कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? है? आपकी खिदमत कौन कर रहा है सबसे? आसिफ कर रहे हैं। अच्छा, जा आसिफ घूमूच सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ उनके हो रहा है वो दवाई इलाज कर रहे हैं। उठा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम देवा वारसी। अच्छा, क्या मामला है पूरा? मेरा मामला ये है कि मेरी सास का मकान है तकी नगर में। अच्छा, ठीक है, पुलिस चौकी के बराबर में। तो इनका तमन्ना का कहना है, तमन्ना का तबस्सुम राहत अफरोज का कहना है कि हमारा ये तमन्ना अफरोज कौन है? ये मेरी जिठानी है। अच्छा अच्छा, ये मेरी जिठानी है। इनका कहना है कि मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरे आदमी का कोई हिस्सा नहीं है। मेरी सास ने मेरे आदमी के नाम रजिस्ट्री कर दी, दाखिल खारिज हो गया। उसके बावजूद ये मेरे मकान में हम ही को नहीं घुसने देती हैं। हम जब जाते हैं तो ये हमको मारती पीटती हैं। मारने पीटने के लिए बात ये कहती है कि जा तू मेरा क्या कर लेगी, हम तो हमारे पास तो सब कुछ है। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हमने बहुत जगह शिकायत किया, कोई असर नहीं। अच्छा, अनवर नगर में कितने साल से रह रही? अनवर नगर में तो हमको ये ले आई थी पाँच साल पहले। अच्छा, पाँच छः साल। कौन लाया था? राहत अफरोज। क्यों लाई थी यहाँ? इसीलिए लाई थी कि हम तुम्हारे मकान में कब्जा करवा दें। आज हमको अब इस बात का एहसास होता है कि हमारे मकान में कब्जा कराने के लिए हमको यहाँ रखा, और यहाँ रखा था हमसे ये कह के कि यहाँ चलो, वहाँ नीचे का मकान अम्मी का पड़ा है, वहाँ हम बनवा दें, सब लोग आराम से रहना। उसके बाद हम ही को ही नहीं घुसने दिया। अच्छा, उसके बाद में फिर आपकी कोई सुनवाई हुई आज तक? मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपके सास के मतलब आपके जो सास के बेटे हैं, बेटियाँ कितने हैं? चार, तीन बेटे हैं। एक को बेदखल कर दिया। किसको बेदखल? इकबाल खलीक को। अच्छा, तीन बाकी इकबाल खलीक को बेदखल कर दिया। तीन बेटे हैं, तीनों के नाम रजिस्ट्री कर दिया। अच्छा, सास किसके पास रहती है? सास मेरे पास रहती है। कितने दिन से रह रही? चार साल से रह रही। तो यहाँ क्यों रहती है वो?
यहाँ वो उन्होंने यहाँ भगा दिया हम लोगों को। किसने भगा दिया? तमन्ना तबस्सुम ने। और सब भाइयों ने भी? नहीं नहीं नहीं, भाइयों ने नहीं, तमन्ना तबस्सुम ने। आतंक से ऊब के आ गई थी क्योंकि भाई रहते हैं बाहर। हाँ। और ये उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी, इसलिए हम इनका भैया हमको ले चलो, नहीं हमको देगी मार। तो उनकी खिदमत आप कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं। और इनका जो मेन मामला ये है कि इस मामले में जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी तहसील दिवस में, पाल साहब ने इसमें मोटा पैसा लेके रिपोर्ट लगा दी कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कि ना ये किसी तरीके का इनके पास कोई स्टे आर्डर है, ना ही कोई, ना हाई कोर्ट ने इनको स्टे दिया है। लेकिन पुलिस विभाग का ये कहना है कि जब हमको राजस्व विभाग लिख के देगा तो हम मकान खाली करा देंगे। अच्छा। और लेखपाल साहब किसी सूरत में लिखने तैयार नहीं है, दोनों मकानों पे इनका कब्जा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीश कुमार है। अच्छा, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि आसिफ खलील हमारे मित्र हैं, और हाँ। जब इनकी माँ को उनके घर से निकाला गया है जी, जी। तो गरीबी हालत में मैं इनकी मदद करता रहा, इससे इनके बड़े भाई इकबाल खलील, इनकी बहन राहत अफरोज और इनकी भाभी तमन्ना तबस्सुम उससे दुश्मनी मानने लगे थे। अच्छा। और एक अभी 2022 में इन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला कराया चाकू से। क्यों कराया? अब ये हमको खुद नहीं मालूम कराया कि वो क्या रंजिश रही है और मेरे पर जानलेवा हमला कराया। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी FIR करा पाया, और आज की कंडीशन ये है कि मैं जगह जगह शासन प्रशासन को लिख रहा हूँ, और माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और IG साहब को निर्देशित किया है कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करी जाए। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आला अधिकारी इस पर निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करें। कितने कितने दिन का मामला है ये? ये मामला हो गया है 2022 से। 2022 से अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? कुछ इंसाफ नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम अभी तो अब एक अपेक्षा जागी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है, और मुझको पूर्ण अपेक्षा है कि सभी आला अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दौराने जांच अगर मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि मेरे पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है, तो इस मामले में राहत अफरोज, तमन्ना तबस्सुम, इकबाल खलीक और इनका एक गुंडा है हफीजुल रहमान और बबलू, इनको जिम्मेदार माना जाए, और इस पर हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई।